वहीं नगर पालिका परिषद महोबा के अध्यक्ष दिलाशा सौरभ तिवारी ने अपने 4 साल कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि साल 2017 के पहले शहर की सड़कों और दार्शनिक स्थलों का क्या हाल था और आज कैसी दिख रही है, ये बात शहरवासियों से छिपी नहीं है। और उन्होंने कहा कि योगी और मोदी की सरकारों में ने जनपद में ही समूचे प्रदेश में आदित्य विकास कार्य किए गए हैं। और नगर पालिका अध्यक्षा दिलाशा सौरभ तिवारी ने कहा कि गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोखार पहाड़ के भूतल में शिवा तांडव मंदिर प्रांगण में 1.5 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से रामकुंड प्रांगण में पार्क का निर्माण कराया गया है। विजयनगर रोड में से जो पद्मश्री पैरा मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। आज से राहुल ढावा के बगल से में जयपाल सिंह के मकान से पुष्पेंद्र सिंह के घर के पास तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण शुरू हुआ है। फतेहपुर बजरिया में शमशान घाट तक मार्ग का निर्माण शुरू हो गया। नवीन प्राइवेट मोटर स्टैंड का फर्शीकरण कार्य जो कि हमारा बस स्टैंड आपको पता है काफ़ी टाइम से बन गया था, लेकिन उसमें काफ़ी कीचड़ हो जाता था, बस और हमारी यात्रियों को आने जाने में असुविधा होती थी, तो उसमें हमने उसका फर्श का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और मुख्य सड़क में से हरिजन छात्रावास तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य हमने शुरू किया है। यशोदा नगर में मुख्य सड़क का पर प्रणव तिवारी के मकान से जस करण अनुरागी के मकान तक का सड़क निर्माण कार्य हमने शुरू कर दिया है। उसके बाद ग्रांड गंज बाड़ में हम जाते हैं तो अरविंद पारसर के मकान से हमारे जो सभासद जी हैं भी हैं शैलेन शुक्ला के मकान तक श्रीसी का सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुख्य सड़क से राम रतन वर्मा राजेश के मकान होते हुए शरद धूरिया जी के मकान के पास तक सड़क का निर्माण हमने शुरू कर दिया है। उसके बाद लौड़ी रोड में चलते हैं तो लौड़ी रोड में राजेंद्र शिव हरे के मकान से नीलम यादव जी के मकान तक इंटरलॉकिंग का काम हमने शुरू कर दिया है। हमीरपुर चुंगी में चंद्रशेखर आजाद जी तिराहा जो अपने यहाँ है उसका सुंदरीकरण और चौड़ीकरण का निर्माण कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। उस तहसील परिसर में शौचालय का निर्माण जो बहुत जरूरी था वो हमने प्रारंभ करा दिया है। तो ये तो हमारे जो अभी हाल ही में हमने शुरू करवाया है काम वो थे। उसके बाद आप सभी को मालूम है कि हमारे पिछले 4 सालों में हमने माननीय योगी जी की जो योजना थी तो सबसे पहले हम स्वच्छ भारत की तरफ चलते हैं तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कि हमारे योगी जी का और माननीय मोदी जी का ही सपना था कि हमारा जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम विकास में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने सबसे पहले स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाया और हमारे महोबा में लगभग 25 शौचालय बनकर तैयार हुए हैं जिसमें आप ले सकते हैं। तो आपने जो देखा होगा कि पुलिस चौकी में जो शौचालय है वो भी भव्य और बहुत आलीशान शौचालय है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और उसमें महिला शौचालय का एक तरफ अलग तरफ है और पुरुष शौचालय का एक तरफ है, उसमें महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद यदि आप मार्केट की तरफ हम रुख करते हैं तो मेन मार्केट में पूरी आसपास कहीं पर शौचालय नहीं था, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो माननीय जो हमारे योगी जी का सपना था और मोदी जी का है कि महिलाओं को प्राथमिकता हर जगह दी जाती है तो इसमें हम कैसे पीछे रहते, और जबकि मैं अपने शहर में बैठी हुई हूँ तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है कि महिलाओं को सुविधाएं ना दी जाएं। तो मेन मार्केट में हमने महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण करवाया है जो कि बहुत अपने आप में आप लोग देखते हैं सुंदर भी है और सभी सुविधाओं से युक्त है।